नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके लिए वर्ष 2018 के राशि फल को लेकर। हमारी तो शुभकामना यही है कि वर्ष 2018 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, लेकिन आपकी राशि इस बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं और समझते हैं ग्रह गोचर के इशारों को। इस वीडियो में बात होगी मकर राशि की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य बिंदुओं को, मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि कुछ और बातें बाकी रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2018 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों, आपका लग्नेश द्वादश भाव में है, अतः स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसके लिए सकारात्मक सोच जरूरी रहेगी। कोशिश यही हो कि विचारों में कुछ उलझाव ना आने पाए। दूर की यात्राओं के दौरान भी आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रथम भाव पर केतु के प्रभाव के कारण इस साल कभी कभार बीमारी का भ्रम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य सामान्य तौर पर औसत बना रहेगा। भाग दौड़ के कारण शरीर की ऊर्जा कभी कभार कुछ कमजोर रह सकती है। हालांकि अधिक चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य चिंतन व व्यायाम आदि तो जरूरी ही रहेगा। यह तो रही बात मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की, और अब बात कर ली जाए मकर राशि वालों की शिक्षा की। मकर राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है। 12 अक्टूबर 2018 तक गुरु की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर रहेगी। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों, बैंकिंग व कानून की शिक्षा लेने वाले, ये मैनेजमेंट से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, इन सबके लिए वर्ष विशेष अनुकूलता देगा। वहीं 12 अक्टूबर के बाद गुरु आपके लाभ भाव में होगा, यह भी एक अच्छी स्थिति है। यानी इस समय भी शिक्षा में आपकी अनुकूलता बनी रहेगी, अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। यानी बस जरूरत है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान को पूरी तरीके से केंद्रित करिए और निष्ठापूर्वक पढ़ाई करिए, परिणाम अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो रही बात मकर राशि वालों की शिक्षा की, और बात कर ली जाए मकर राशि वालों के आर्थिक मामलों की। धन का कारक बृहस्पति 12 अक्टूबर तक आपके कर्म स्थान पर है और बाद में आपके लाभ स्थान पर रहेगा। स्वाभाविक है पहले से ये आपके कामों को बेहतर बनाकर परिणाम को और अच्छा बनाएगा। बाद में लाभ के और भी बेहतर स्रोत देने का वादा कर रहा है। हालांकि लग्नेश के द्वादश में होने से कुछ बेवजह के खर्चे रहेंगे, लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़े हैं, वहां से कनेक्टेड हैं, या फिर इंटरनेट के माध्यम से कमाई करने वाले लोगों में से हैं, तो शनि का द्वादश में होना नुकसान नहीं देगा बल्कि अनुकूलता देगा और आप खूब कमाई कर सकते हैं। साथ ही धन स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको धन संचय के प्रति जागरूक भी बनाएगा। तो अब तक हमने बात मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की कर ली और शिक्षा की भी जांच पड़ताल हो गई, आर्थिक मामलों पर भी चर्चा हो गई, और अब बात कर ली जाए मकर राशि वालों के निजी जीवन की, यानी कि प्रेम की, दाम्पत्य जीवन की। यह साल प्रेम संबंधों के लिए सामान्यतः औसत रह सकता है। सप्तम में स्थित राहु इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपको आपस में संदेह करने से बचना होगा। ऐसा हो सकता है कि साथी की कुछ गतिविधियां थोड़ी संदेहास्पद लगें, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपसे वो जो छिपा रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य आपको अंधेरे में रखना है। शायद वो जो कुछ छुपा रहा है उसमें आपकी खुशी नहीं हो, वो आपके लिए ऐसा कर रहा हो। 12 अक्टूबर 2018 के बाद का जो समय है वो आपके लिए बेहतरी लाएगा। यानी वर्षांत में किसी मंगल कार्य के होने की संभावनाएं बन रही। तो ये तो रही बात मकर राशि वालों के प्रेम और दाम्पत्य की। अब बात कर ली जाए मकर राशि वालों के काम धंधे की, कार्य व्यापार की, नौकरी की। कार्य व्यापार के लिए साल 2018 अच्छा रहने वाला है, क्योंकि साल के अधिकांश महीनों में बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर रहेगा, जो आपके काम धंधे को बेहतरी देने वाला रहेगा। आपके काम करने का जो तरीका है वो और बेहतर होगा। स्वाभाविक है कि इससे
न केवल आपके कामों की प्रशंसा होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आपके कामों की, बल्कि आपकी तरक्की भी सुनिश्चित हो सकती है। यदि नौकरी पेशा है तो इस साल आपको प्रमोशन मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि साढ़े साथी के प्रभाव के कारण लक्ष्यों की पूर्ति में आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, इसकी ज़रूरत रहेगी आपको, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर अच्छे ही मिलेंगे। सारांश यह कि आप सफलता की ओर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि काम थोड़ा धीमी गति से पूरा हो, अतः बिना अधीर हुए पेशेंस के साथ काम को अंजाम दें, परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के सभी विशेष पहलुओं पर बात कर ली है, फिर भी फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न बाकी रह गया है तो हमारे संस्थान के थ्रू आप हम तक अपना सवाल पहुँचा सकते हैं। आइए चलते चलते साल 2018 को एक शब्द में बयान कर लिया जाए, जान लिया जाए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2018 को 18 जो है ये आपको 5 में से 3.5 स्टार्स देना चाह रहा है। सारांश यह कि क्रोध और वाणी पर संयम रखें, नहीं तो बनते काम बिगड़ने का डर उपजेगा। ऐसा करिए और साल से और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। और अब चलते चलते बात उपायों की। उपाय के रूप में आपको राहु केतु की शांति का विशेष अनुष्ठान करवाना चाहिए और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो ये तो रहा मकर राशि वालों के लिए साल 2018 का हाल। साल 2018 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों, हमारी और हमारे संस्थान की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी सबके साथ सुखी बने रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।